देश के पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर बीजेपी का कमल खिलता हुआ दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस की सियासी जमीन अब सिकुड़ती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे तो 2 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज एजेंसियों के एग्जिट पोल में बीजेपी का दबदबा कायम दिख रहा है। आपको बता दें, इन तीनों राज्यों में वर्तमान में एनडीए की सरकार है। त्रिपुरा में बीजेपी को मात देने के लिए इस बार कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ अपनी 25 साल पुरानी सियासी दुश्मनी भुलाकर गठबंधन किया था, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों के अनुसार कांग्रेस का यह दांव काम नहीं आया है। त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटों के लिए 16 फरवरी को वोट डाले गए थे। मुख्यमंत्री मानिक साहा की अगुवाई और पीएम मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने यह चुनाव लड़ा है। 2018 में पहली बार इस राज्य में लेफ्ट को उखाड़ कर बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक्सिस माई इंडिया और आज तक के सर्वे में त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी को 36 से 45 सीटें मिलती दिख रही है, जबकि लेफ्ट कांग्रेस के खाते में 6 से 11 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही। वहीं जी न्यूज के अनुसार बीजेपी को यहां 29 से 36 तो लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन के खाते में 13 से 21 सीटें जाती हुई दिख रही है। वहीं बात अगर नागालैंड की करें तो यहां भी विधानसभा की 60 सीटें हैं। इस राज्य में भी बीजेपी एनपीपी गठबंधन के सामने सभी बेअसर दिख रहे हैं। नागालैंड में बीजेपी का एनडीपीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का दांव सफल दिख रहा है। एक्सिस माई इंडिया और आज तक के सर्वे के मुताबिक बीजेपी एनपीपी के गठबंधन को यहां 38 से 48 सीट के साथ बहुमत मिलता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को 1 से 2 और एनपीएफ को 3 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जी न्यूज के अनुसार बीजेपी एनपीपी गठबंधन को 35 से 43, एनपीएफ को 2 से 5 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट का अनुमान है। इस राज्य में विपक्ष के पास कोई खास सियासी आधार नहीं है, जबकि सीएम नेफ्यू रियो के चेहरे पर चुनाव लड़ने का दांव एनडीपीपी और बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। यहां 27 फरवरी को मतदान हुए हैं। 60 सीटों के विधानसभा वाली मेघालय में पिछली बार की तरह इस बार भी किसी दल को बहुमत नहीं मिलता दिख रहा है। इस बार यहां सभी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी थी। एक्सिस माई इंडिया और आज तक के सर्वे के मुताबिक मेघालय में एनपीपी 18 से 24, कांग्रेस को 6 से 12 और बीजेपी को 4 से 8 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। वहीं जी न्यूज के अनुसार एनपीपी 21 से 26, कांग्रेस को 3 से 6 और बीजेपी को 6 से 11 सीटों के साथ संतोष करना पड़ सकता है। बता दें कि यहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 21 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो थी, लेकिन एनपीपी 20 और बीजेपी 2 सीटों के साथ गठबंधन कर दोनों ने सरकार बना ली। अब आप एग्जिट पोल के इन नतीजों को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।